पटना में दीवारों को सजाया जा रहा है वॉल पेंटिंग की मदद से और बिहार के कई कलाकार यहां पर आए हुए हैं। पटना आर्ट कॉलेज के भी कलाकार हैं। एक वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आज अपलोड किया था जिसमें दिखाया था कि पेंटिंग किया गया है, लेकिन अब पेंटिंग का काम होता हुआ दिख रहा है। अभी हम विद्यापति भवन के पास है, विद्यापति भवन को भी मिथिला पेंटिंग से सजाया गया है और ठीक उसके सामने जो म्यूजियम की दीवार है उसे भी रंगीन किया जा रहा है, सजाया जा रहा है मिथिला पेंटिंग की मदद से, और उसमें उस पेंटिंग की मदद से कहानी कहने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर पटना आर्ट कॉलेज के बहुत सारे कलाकार हैं और जो यहाँ पर पेंट कर रहे हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनके जो सीनियर हैं वो भी यहाँ पर हैं। और आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शिवशंकर सिंह। शिवशंकर सिंह, क्या करते हैं आप? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। और कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने बैचलर पटना आर्ट कॉलेज से किया, तो मास्टर मैंने BHU से किया था। तो ये जो पेंटिंग हो रहा है इसमें कितने लोग शामिल हैं अभी? हमारे पास आर्ट कॉलेज के सारे पटना आर्ट कॉलेज से और पास आउट और अभी जो कॉलेज में है जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं या फाइनल ईयर के जो वो सारे बच्चे हमारे साथ आर्ट कॉलेज 35 लोग हैं। 35 लोग हैं जी। जी कितना ग्रुप है ये वॉल पेंटिंग का काम, कितना ग्रुप पटना में कर रहा है? पटना में लगभग 10-12 ग्रुप काम कर रहे हैं। सुनने में आया है कि बिहार के कोने कोने से आर्टिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। बिहार के नहीं, इंडिया के कोने कोने से आर्टिस्ट बिहार आ रहे हैं और इस काम को कर रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है अपने राज्य का, पहले अपने राज्य को सुंदर बनाना, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगर हमारे वॉल पे किसी भी जगह पे जब सुंदरता होती है तो लोग संकोच करते हैं कि हम वहाँ वो टॉयलेट ना करें, साफ़ सफाई रखें, कोई प्रॉब्लम ना हो, और लोग उससे इंस्पायर होते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास पेंटिंग बना हुआ है तो साफ़ है तो क्यों हम वहाँ पर गंदगी करें। और लोग जब दूसरे कोई गंदगी करते हैं तो एक दूसरे टोकेंगे कि भैया वहाँ साफ़ सुथरा, आप गंदा ना करें। कौन करवा रहा है इसे? ये नगर निगम बिहार सरकार के द्वारा हो रहा, पटना स्मार्ट सिटी के द्वारा। तो किसकी जगह पे अभी फिलहाल पेंटिंग हो गई और कहाँ कहाँ बाकी है? अभी पूरे छज्जू बाग हो गया, गांधी मैदान, इनकम टैक्स, ये म्यूजियम है जिसका चारों तरफ हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ, और सारे जो चल ही रहा है अभी, आपको इनकम टैक्स गोलंबर हो चुका है, ये सब जगह हुआ और धीरे धीरे पूरे पट्टा में होना है। लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मुझे तो आपने दे दिया है फिर भी बच्ची। मैं लोगों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमारी मिथिला पेंटिंग जैसे प्रसिद्ध है, जैसे हमारे ज्ञान प्रसिद्ध है, हमारे बुद्ध प्रसिद्ध है, महावीर प्रसिद्ध है, तो हमारा देश भी प्रसिद्ध, बिहार भी प्रसिद्ध है, और पूरी दुनिया में जागरूक हो कि स्वच्छता के नाम पे बिहार टॉप में आए और लोगों को इंस्पायर करे हमारा बिहार, लोगों को दिखाए कि बिहार स्वच्छता में नंबर वन होगा। पेंटिंग के माध्यम से क्या क्या, कौन कौन सी कहानी को दर्शाया जा रहा है? पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता, भाईचारा, आपको मेल मिलाप, पर्व त्यौहार, रामायण, गीता, ये सब के बारे में बताया जा रहा है। और कितने जो कलाकार हैं उनसे कुछ मैसेज अगर दिलवाना चाहते हैं तो? हाँ, तो ये अनीशा अपना नाम, आर्ट कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हूँ, फिलहाल मैं दुबनी कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही हैं। ये बताइए कि ये जो पेंटिंग आप कर रही हैं कैसा कलर इस्तेमाल किया जा रहा है? तो वॉल पे जो पेंट किया जाता है वही कलर है। और वाटर प्रूफ है? यस, वाटर प्रूफ है। मतलब बारिश के मौसम में इससे परेशानी नहीं है? मतलब सारी चीज़ों को, मतलब वेदर को ध्यान में रखते हुए किया है। अभी आप क्या बना रही हैं? वैसे ये दुल्हन है और बस इसे सजा रही हूँ, एक दुल्हन के रूप में, दुल्हन सजी रहती है इसलिए इसको अच्छे से सजा रही हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को, इस पेंटिंग के को साफ सुथरा रखने के? हाँ, मैं यही कहूँगी कि मतलब अगर पेंट हुआ है तो इसकी कद्र करें और फिर ये समझें कि मतलब सफाई हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये सोच कर अपनी मतलब गंदा ना करना। तो गंदगी से बचाने के लिए, शहर को और सुंदर बनाने के लिए मिथिला पेंटिंग और कई तरह की पेंटिंग के
से सजाया जा रहा है दीवारों को, अब हमारा और आपका फर्ज बनता है कि इसे साफ रखें और सुंदर रखें, स्वच्छ रखें। तो पटना बिहार से, देश के कोने कोने से आए कलाकार पटना की दीवारों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, आइए उनकी मदद करें और अपने शहर को साफ रखें। कोशिश करें कि अपना शहर साफ हो, अगर कोई गंदगी फैलाता है तो उसे टोके कि वहां पर गंदगी ना फैलाएं। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार। Thank you.